हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए दोस्तों, आपके सामने एक बॉबिन नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस बॉबिन में ईआई कोर कैसे लगाते हैं, ईआई कोर लगाने का सही तरीका क्या होता है, तो सब कुछ इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा कि ईआई कोर लगाने का सही तरीका क्या होता है, किस प्रकार इसमें कोर लगाई जाती है, कोर किस प्रकार से बैठाई जाती है, किस प्रकार से इसमें सारी कोर ऐड किए जाते हैं। क्योंकि ये कोर शुरू में तो आसानी से कोई भी लगा सकता है, लेकिन बाद में ये कोर बहुत टाइट जाती हैं। तो दोस्तों, आप अच्छे से सीख जाएंगे आज की वीडियो देखने के बाद कि इसमें ईआई कोर किस प्रकार से लगाई जाती है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको इसमें ईआई कोर, देखिए मैं आपको किस प्रकार से बता रहा हूँ। पहले आपको एक कोर इस साइड लगा लेनी है, और फिर इस साइड से भी एक कोर लगा लेनी है। तो देखिए दोस्तों, आप वीडियो में देखते चलिएगा कि किस प्रकार से मैं कोर लगा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, एक के बाद एक कोर मैं इसमें ऐड करते जा रहा हूँ। पहले आपको एक एक कोर लगानी है, फिर आप इसके बाद दो दो या तीन तीन कोर एक साथ लगा सकते हैं। फिर बाद में दोस्तों, ये सारी कोर लगने के बाद आप आई वाली कोर लगेंगे, ई वाली कोर हैं, फिर इसके बाद आई वाली कोर लगेंगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। आप किसी प्लास या किसी हथौड़ी की मदद से इसे ठोकते चलिएगा।
देखिए दोस्तों, आप सारी कॉल लगाने के बाद में बाद में आपके एक दो कॉल बचते हैं तो दोस्तों वो बहुत टाइट जाते हैं, इसलिए आपको दो दो तीन तीन कॉलों को एक साथ इस पत्तियों के बीच में फंसा लेने हैं और फिर उसे अच्छे से ठोक देना है प्लस 15 या इस ट्रांसफॉर्मर को उल्टा करके आप ठोक सकते हैं। दोस्तों इसके बाद जितनी भी बची हुई आपकी ई आई कॉल हैं आप इसे भी लगा लीजिएगा। तो देखिए मेरे पास एक ही कॉल बची थी तो मैं इसे भी लगा लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों हमने ई वाली तो इसमें सारी कॉल लगा ली हैं, अब हम आई वाली कॉल लगाएंगे। तो दोस्तों आपको गिनते चलना है कि कौन सी जगह पर कितनी कॉलें लगी हुई हैं, उतनी ही आपको खाली जगह पर कॉलें लगानी है। यदि आप कम या ज़्यादा लगाएंगे तो आपकी कॉल कम भी कॉल हैं कम भी पड़ सकती हैं, कृपया इसका ध्यान रखें। और जितनी जगहों पर कॉल लगी हुई हैं आप अच्छे से लगाते चलेगा। देखिए मैं किस प्रकार लगा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों हमने एक तरफ की सारी ई वाली कॉल लगा ली हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम उस साइड की भी लगा लेते हैं। तो आप कुछ ट्रांसफॉर्मर को इस प्रकार से ठोक लीजिएगा ताकि आपकी कॉल सारी कॉल एक सी आ जाए, ठोक लीजिएगा ताकि सारी कॉलें आपकी एक सी आ जाए। और इसी प्रकार से आपको इस साइड भी सारी ई कॉलें लगा लेनी, इसके बाद हम आपको बताते हैं ये ट्रांसफॉर्मर किस प्रकार से आपको दिखेगा।
तो देखिए ये दोस्तों हमने दोनों ओर की AI को लगा ली है। इसके बाद आपको ये कोर को फिक्स कर लेना है इस ट्रांसफार्मर को इस प्रकार से पटक कर। तो ये आपकी कोर बिल्कुल फिनिशिंग आपकी अच्छी आ जाएगी ट्रांसफार्मर की। उसके बाद आपको नट बोल्ट लगा के इसे टाइट कर देना। देखिए मैंने नट बोल्ट लगा के इसे टाइट करके आपको। तो देखिए दोस्तों हमारा ट्रांसफार्मर बनकर रेडी है। हमने इसके नट बोल्ट भी अच्छी तरह से टाइट कर लिया है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है और लाइक कीजिए हमारी इस वीडियो को और हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियो हैं आप उनको देखिएगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा। तो मिलते हैं दोस्तों किसी अन्य वीडियो में अन्य टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय बाय टाटा।